हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स गुड स्टफ। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा मेरा एक रैंडम शॉपिंग हॉल है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। मैंने कुछ सामान मंगवाया था बहुत अच्छे ऑफर्स में, प्लम से और ममार से, जो कि बहुत ही अच्छी दोनों स्किन केयर और मेकअप ब्रांड हो चुकी हैं। बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत वेल नोन ब्रांड है और दोनों ही ब्रांड क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन है, बिल्कुल भी नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। और मैंने कुछ शॉपिंग की थी, अच्छा अच्छा ऑफर आया था, तो मैंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा कि क्यों ना आज आपसे शेयर किया जाए अपना ये वाला शॉपिंग हॉल और कुछ डिफरेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे सोचा यार, मैंने जब शॉपिंग करी ली इतने अच्छे ऑफर्स में, तो मैं चलिए आप लोगों के साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर ही देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया। और इन सब प्रोडक्ट का रिव्यू तो आएगा ही आएगा मेरे चैनल पे, तो और एकदम जेन्युइन रिव्यू आएगा, क्योंकि बिल्कुल मेरा वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है। मैं सारे अपने पैसे खर्च करके खुद ही से सामान ले रही हूँ यार, तो फिर एकदम ऑनेस्ट रिव्यू होगा। मैं सबको अच्छे से अच्छे टाइम तक यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू देने वाली हूँ, जैसा कि मैं ऑलवेज करती हूँ। तो अब मेरे साथ बने रही इस वीडियो में एंड तक, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और प्लम को मैं बताना चाहूँगी, शॉपिंग मैंने बहुत अच्छा ऑफर आया था क्योंकि प्लम को 8 ईयर पूरे हो गए। जी हाँ, प्लम जो ब्रांड है उसको 8 ईयर उसने पूरे कर लिए, उनका 8 ईयर बर्थडे था, तो बहुत अच्छे ऑफर चल रहे थे उस पर। तो मैंने कुछ ऑफर भाई ऑफर आएगा तो मैं तो फटाफट से ग्रैब कर ही लेती हूँ, आपको पता है। मैं आपको दिखाती हूँ, प्लम से मैंने सबसे पहले अपना फेवरेट प्रोडक्ट को ऑफर मिलते ही रीस्टॉक किया। जी हाँ, ये है प्लम का इल्यूमिनेंस सिंपली सिंपल क्लींजिंग बाम ड्राई स्किन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला प्रोडक्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यार कुछ भी मत सोचो, बस जाओ फटाफट से ले लो, ठीक है ना, क्योंकि ऑफर जल्दी नहीं मिलते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा ऑफर मिला, तो ये मुझे रीस्टॉक करना था। आपने मेरे पहले वीडियो में कभी देखा होगा कि मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा डब्बा खाली होने वाला है, तो मैंने मौका देख के जब ऑफर मिला तो फटाफट से ग्रैब कर लिया, उसको रीस्टॉक कर लिया। तो ये हो गया मेरा प्लम का क्लींजिंग बाम। और अब तो यार मैं डेली वीडियो बना रही हूँ तो मेकअप करना पड़ता, तो क्लींजिंग बाम बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे बट अब हो रहे हैं। ठीक है, मैंने यार प्लम का काजल बहुत सुना था, मैंने अभी तक ऑनेस्टली कहूँगी मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे फेसेस कैंडा शुगर और ममार्थ इनसे फुर्सत ही नहीं मिली। तो मैंने सोचा लाओ इससे भी एक ट्राई देते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो ये ट्विस्ट अप वाला काजल है, अभी मैंने इसको खोला नहीं है, मैं किसी मेकअप में इसको यूज़ करूँगी तभी आपको दिखाऊँगी, तो मैं अभी इसे ओपन नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे काजल ऑलरेडी चल रहे हैं यार, और फालतू में खोल के रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने एक काजल लिया है प्लम का, बहुत पहला प्रोडक्ट मेरा हो गया, मैंने अपना क्लींजिंग बाम मंगाया था प्लम का, और दूसरा मैंने काजल मंगाया था। फिर नेक्स्ट मैंने सोचा यार चलो अब प्लम की स्किन केयर रेंज तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की, मैंने उसका टोनर भी यूज़ किया है, मैंने उसका फेस वॉश भी यूज़ किया है ग्रीन टी वाला, और मैंने क्या बोलते हैं बाम तो यूज़ किया ही किया है, सनस्क्रीन भी यूज़ किया, डे क्रीम भी यूज़ की, तो मैंने सोचा अब चलो स्किन केयर बहुत ट्राई कर लिया है और विटामिन सी वाले टोनर और मॉइस्चराइजर तो फ्री ही मिल रहा है, तो मैंने सोचा अब चलो मेकअप में ट्राई करते हैं। काजल ले लिया, मस्कारा फ्री में आ गया, तो मैंने सोचा अब लिपस्टिक देखते हैं यार प्लम की। तो मैंने लिपस्टिक्स ली हैं दो, और ये शेड है 130 कोकोआ मोका, एक शेड ये है, और दूसरा शेड मैंने लिया 125 ग्रेप फुल। ठीक है, एक पिंक न्यूड में है, पिंक टोन का शेड है, और एक ब्राउन है, और ये दोनों ही शेड बहुत अच्छे हैं। इसका भी मैं स्वच वीडियो, हैंड स्वच और लिप स्वच वीडियो, शॉर्ट्स होगा तो शॉर्ट्स, वरना इसका पूरा रिव्यू अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन करके बताएगा, तो मैं इसका रिव्यू कर दूँगी। ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं इसमें रिव्यू करने लायक कुछ है, क्योंकि अच्छी ही है यार लिपस्टिक, अभी मैंने यूज़ तो नहीं किया हालांकि, बट कलर रेंज तो यार बहुत ऑसम है इनकी, ये दोनों ही शेड बहुत प्यारे, और मैंने जैसे मंगाए थे यार डिस्प्ले पे देखे तो ये बहुत अच्छे आ गए, मेरी स्किन टोन पे एकदम सूट कर रहे हैं, और आई थिंक सभी स्किन टोन पे इंडियन सूट करेंगे ये कलर। तो इसका मैं जल्दी से स्वच्छ अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, तो मैंने ना कुछ नेल पेंट्स ले ली, मैंने ये कुछ नेल पेंट्स ली हैं प्लम की, और ये मैंने एक ऐसे पीच कलर है, कोरल कलर थोड़ा सा, और ये एकदम मिंट ग्रीन कलर, वो जो मोमो के साथ चटनी आती है ना मिंट फ्रॉन्टी, इसको देख के मुझे वैसे ही उसकी याद आ रही है। ठीक है, वैसे मैं बहुत फूडी हूँ ना देखो। और एक मैंने लिया है ये लाइट एकदम नेचुरल सा पीच कलर, एकदम न्यूड सा, और उसके बाद ये मैंने लिया है एक ब्राउन कलर। ठीक है, शेड बता देती हूँ अगर आपको शेड जानने हैं, तो ये शेड है 140 रिच ब्रू, एंड दिस वन इज पीच 157। मैंने कहा था ना पीच कलर विश न्यूड है, और ये है कीवी, हाँ सॉरी कीवी कलर यार, मैं तो भूल गई थी, कीवी 162। और यार कैसे फ्रूटी से इन्हें में ना भूख सी लग जाती है, नाम ही इतने प्यारे प्यारे हैं। और ये है हाई सीएना। ठीक है, तो ये चार मैंने नेल पेंट्स ली हैं, और मैंने सोचा चलो प्लम की मेकअप रेंज भी ट्राई कर ही लेते हैं स्किन केयर के साथ साथ। आई होप ये हॉल आपको पसंद आए, मैंने सोचा था एकदम से चलो यार कुछ नया करते हैं ना, एकदम से जो मैंने ये सब ऑफर में ग्रैब की चीज़ें आपको आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं अपने फ्री वाले प्रोडक्ट पे जो कि एकदम मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं वो सारी शॉपिंग करने पर, और मैं सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, प्राइस दे दूँगी, और आई थिंक कितने हज़ार की शॉपिंग, 1.5 से 2 हज़ार की शॉपिंग पे ये तीनों चीज़ फ्री थी। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया ये प्लम का मस्कारा फ्री था,
और यार एक बात बताऊँ, मेरा एक मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि अगर मैं कोई चीज़ शॉपिंग करने जाती हूँ, अगर कोई अच्छा ऑफर चलता है, जैसे ये रहता है ना, अगर उनकी शर्ट की इतना तक इतने का सामान लोगे तो ये गिफ्ट भी फ्री आ जाएगा आपकी कार्ट में, तो मैं यार ऑर्डर वैल्यू को उतना कर लेती हूँ कि चलो यार एक ये भी चीज़ फ्री आ जाएगी तो आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे, हम इसे भी ट्राई कर लेंगे। मुझे लेने का मूड नहीं था मस्कारा, मैंने काजल सोचा था ट्राई करने का, तो चलो, और मैंने इसीलिए ऑर्डर वैल्यू को अपनी बढ़ाया भी कि चलो काजल आ रहा है तो साथ साथ मस्कारा भी मैं ट्राई कर लूँगी, फ्री में मिल ही रहा है तो ये 525 का मस्कारा है केवल, और ये फ्री मिला है एकदम मुझे। उसके बाद ये विटामिन सी वाला टोनर, इसका मैंने बहुत रिव्यू देखा है यार यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा रिव्यू उसका मैंने देखा है, तो अब मैंने भी सोचा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, अब फ्री में मिला है तो ट्राई करना ही यार, फेंकेंगे थोड़े ना, क्या करेंगे, ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। और ये है 425 रुपये का, ठीक है। और ये मॉइस्चराइज़र है विटामिन सी वाला इनका, ये कितने का है, ये 550 रुपये का, ठीक है। तो 550, 425 प्रोडक्ट हो गया, 425 का एक हो गया, 525 का और एक हो गया 550 का, टोटल 1500 रुपये का शॉपिंग मैंने करी, तो मुझे टोटल 1500 रुपये की चीज़ें फ्री गिफ्ट में मिली हैं। तो ये हुई भैया मेरी नंबर फुल पैसा वसूल शॉपिंग, हमेशा ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। अगर आपको कोई महंगी ब्रांड पे वो करना है, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप महंगी ब्रांड पे, अच्छी होती महंगी ब्रांड, लेकिन ऑफर में करिए और उसके साथ साथ फ्री गिफ्ट भी गैप करिए, क्या बुरा है यार, फ्री गिफ्ट तो सबको अच्छे लगते हैं ना, तो और इतने अच्छे से मिले तो अच्छे लगेंगे। तो यार 1500 का कम से कम मैंने गिफ्ट उठा लिया है प्लम से, और मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मुझे बहुत मज़ा आया ये वाली डील ग्रैप करके, और इट्स लाइक अ स्टील डील, बिल्कुल स्टील डील, क्योंकि इतने अच्छे से यार कुछ भी नेल पेंट या लिपस्टिक ऐसा कुछ होता है ना, होता तो फिर मैं शायद नहीं भी लेती कि यार चलो नेल पेंट तो बहुत है, लेकिन यार विटामिन सी का टोनर और मॉइस्चराइजर और ये मिल रहा था फिर मैंने और ले लिया, मैंने चलो ले ही लेते हैं, तो इन सबका रिव्यू बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए ममार्ट की अपनी शॉपिंग की तरफ बढ़ते हैं, प्लम हो गया, ममार्ट का हम लोग देखते हैं। ममार्ट पे बाय वन गेट वन ऑफर आया था यार, जल्दी ममार्ट पे ये वाला ऑफर नहीं आता, और ममार्ट का जैसा आप जानते हैं ब्रांड बहुत अच्छी और प्रोडक्ट्स महंगे भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ते नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से यार ये ऑफर भी ग्रैप कर लेते हैं, ममार्ट की चीज़ें ले लेते हैं। तो मैंने बाय वन गेट वन में कुछ 6 से 7 आइटम मंगवाए हैं, 7 से 8 हो गए आई थिंक, हाँ ऐसे कुछ आइटम हैं, चलो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख लेना बार बार, एक ही ऑर्डर में नहीं, एक साथ बाय वन दिखाऊंगी। तो चलिए हम ममार्ट की अपनी शॉपिंग देखते हैं कि मैंने क्या क्या स्टील डील फटाफट से ग्रैप किया ऑफर, और कैसे मैंने पैसा वसूल वाली अपनी जो मैं शॉपिंग हमेशा करती हूँ, और आपको भी यही सलाह देती हूँ कि ऐसी शॉपिंग हमेशा करनी चाहिए, बड़े ब्रांड में इन्वेस्ट करना है तो ऑफर में करिए, और ऑफर के साथ साथ फ्री गिफ्ट या कुछ बहुत तगड़ा बाय वन गेट वन या बाय टू गेट टू ऐसा ऑफर हो तो इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं लगेगा कि आपने बहुत महंगी शॉपिंग कर ली, क्योंकि उतने का क्या होता है ना, हमें ऑफर मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है, तो एक तसल्ली हो जाती है कि यार ठीक है चलो जितने की मैंने शॉपिंग करी, जितना मैंने पैसा दिया उतने का मुझे मिल भी गया, तो एक ये तसल्ली हो जाती है बस, और कुछ नहीं, और फ्री का प्रोडक्ट तो मिलता है तो उसे यूज़ करना और ट्राई भी कर लेते हैं उसी बहाने, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम हमें लेना हो तो हम ट्राई कर चुके रहते हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, ममार्ट में आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बाई किया। फाइनली पहले बाय वन गेट वन मैंने 2 फाउंडेशन मंगाए थे ममार्ट के, बट यार सच बताऊँ मैंने ना उनका रिव्यू अपलोड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यार यार वो रिव्यू ना सारे ही लोगों ने दे दिया था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अब यार उनका कि हमें कौन ही देखेगा बताओ, है नहीं, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। अगर आप तब भी चाहते हो कि मैं वो ऑनेस्ट रिव्यू, जो खुद के पैसे दिए मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, तो मैं उसका रिव्यू डालने का सोचूंगी, मैं डालूंगी और उसका रिव्यू तब मैं करूँगी। बट ममार्थ का डिब्बा बहुत अच्छा था, ये कार्डबोर्ड का ही बहुत प्यारा सा बॉक्स आता है ऐसे, और खूब उस पर कार्टून वार्टून फंकी शंकी सा बना रहता है प्रिंट, और मुझे इसका बॉक्स बहुत पसंद आया। ये ममार्थ की राइस मॉइस्चराइज़र के बारे में बहुत देखा था, और वैसे भी यार राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कोरियन स्किन केयर होता है ना, कोरियन ब्यूटी में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कोरियन लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो वो राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइस क्या है स्किन ब्राइटनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो मैंने इसका ये मॉइस्चराइजर के बारे में बहुत सुना था, राइस मॉइस्चराइजर बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है फॉर समर पर्पज़, तो मैंने ये लिया है। उसके बाद मैंने ये ममार्थ का एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि हिमालयन थर्मल वाटर के साथ आता है, हेलुरोनिक एसिड भी है इसमें, इसके बारे में बहुत देखा था यार, बहुत मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर से मैंने देखा था, तो यार मैंने सोचा यार अच्छी चीज़ तो होगी, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने ये लिया है 2 राइस क्रीम ली थी, तो मैंने अब एक राइस डे क्रीम भी ले ली है राइस वाली रेंज से, मैंने कहा चलो ये डे क्रीम भी ट्राई करते हैं, और एक मैंने ये टेंटाउ लिप शेड लिया है, और यार इनकी लिपशीट देखो कितनी खूबसूरती से इनका डिब्बा ओपन होता है, देखो ऐसे करके, तो ये इनकी जो पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और ये शेड है मेरा, कौन सा शेड है,
01 कैरेमल न्यूड शेड है, एकदम ब्राउन न्यूड शेड है। तो मैंने सोचा यार न्यूड शेड ले लेते हैं, बहुत सारे डार्क शेड मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा आप न्यूड शेड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है, उसका भी मैंने रिव्यू देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है, इसका भी सच में शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अभी इसका एक ही शेड है तो क्या ही मैं वीडियो बनाऊंगी पूरा बैठ के, और रिव्यू देखना है यार तो जाके छाप लो आप उस पर यूट्यूब सर्च में, तो एक से एक अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं यार, उन्होंने दिया है तो उनका देख ही लोगे आप। मैंने एक ये मंगाया था लिप बाम, मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू देखा था और ममार्थ का, लेकिन यार ये मैंने यूज़ किया, मुझे ना इससे इतनी अच्छी ज़्यादा मुझे मैं इससे खुश नहीं हूँ, थोड़ा सा ये स्टिकी है यार। मतलब एक होता है ना लिप बाम एकदम स्मूथली ग्लाइड होता है आपके लिप्स पे, ये ना थोड़ा सा ऐसे आपको ना थोड़ा सा प्रेस करके लगाना पड़ता है, तब जाके इसमें थोड़ा सा वो होता है ना शाइन शाइन सी या चिकनाहट सी थोड़ी सी हल्की सी लिप्स पे तब आती है जाके। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने एक दो बार यूज़ किया है। तो और चेरी वाला शेड है इसमें मेरा, और मैंने उसके बाद ये ऑयल फ्री वाला कॉम्पैक्ट लिया है। मैंने फाउंडेशन लिया था तो मैंने सोचा चलो यार कॉम्पैक्ट भी लेते हैं, कभी कोई मेकअप लोग करेंगे तो दोनों एक साथ यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा फर्क पता चलेगा, तो मैंने ये कॉम्पैक्ट भी ले लिया। मेरा शेड है न्यूड ग्लो 03, ठीक है। तो भैया ममार्थ की शॉपिंग हमारी यहीं पर होती है ख़त्म, और आई होप आपको आज का मेरा ये हॉल अच्छा लगा हो, और ये जो सारी शॉपिंग मैंने की इस सबके ऑनेस्ट एकदम जेन्युइन आफ्टर कुछ टाइम यूज़ करने के बाद मैं आपको इसके रिव्यू लेके आने वाली हूँ। तो मेरे साथ इनके रिव्यूज़ अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू देखने हैं तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज़ हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले रिव्यूज़ हॉल्स और वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, और मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, बहुत सारा चैनल को शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू।